राणा प्रताप नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले हिंदनगर एक्सप्रेस ब्रिज कुरियर ऑफिस के पास की गई छापेमारी में लाखों का गांजा हासिल किया गया है। तो वहीं मामले में नहीं दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक फरार है। दरअसल पुलिस के एनटीपीएस दस्ते को गुप्त सूचना मिली थी कि कल दोपहर ओडिशा से कुरियर के माध्यम से 20 किलो अवैध गांजा लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई और पूरी योजना के साथ राणा प्रताप नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली हिंदनगर एक्सप्रेस ब्रिज कुरियर ऑफिस के पास जाल बिछा कर खड़ी थी। उसी वक्त मौके पर मौजूद आरोपी करण दीपक पोथीवाल उम्र 31 साल मानीवाड़ा रोड निवासी, शाहरुख खान करीम खान उम्र 29 साल बंगाली पंजाब निवासी, साथ ही अजिंक्य नागदेंगे उम्र 31 साल अपनी कार में गांजे से भरा बॉक्स रख रहे थे, जहाँ कुल 22 किलो गांजा रखा हुआ था। मौका मिलते ही पुलिस ने आरोपी करण और शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं अजिंक्य मौके से फरार हो गया, जहाँ इस मामले में 22 किलो 710 ग्राम गांजा, कीमत 4,54,200 रूपए, फ्रॉड कंपनी की कार, ऐसा कुल मिलाकर 6,54,700 रूपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। तो वही आगे की जांच पुलिस करी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।